और किसी टेक्निकल तकनीकी वजह से मेरे को शायद बार बार अपना सेशन रिपीट करना पड़ रहा है लेकिन मैं आपसे माफी चाहूंगी और लेकिन अगेन बहुत बहुत दिल से बहुत बड़ा नमस्ते एंड आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर तो जैसे मैंने पहले बोला आज का जो हमारा सेशन है वो समावेशी शिक्षा से ही रिलेटेड है उसका दूसरा भाग दूसरा दिन तो दूसरे दिन हमने पहले दिन हमने पढ़ा कि समावेशी शिक्षा होती क्या है समावेशी शिक्षा की जरूरत क्या है क्यों चाहिए समावेशी शिक्षा और इसका आधार क्या है और इससे भी ज्यादा जरूरी था कि समावेशी शिक्षा से क्या सिर्फ दिव्यांग लोगों को ही फायदा होगा या हमारे और अन्य भी लोगों को फायदा हो सकता है तो चलिए आज हम बात करेंगे इसी सेशन से जुड़े हुए कि दिव्यांगता के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे कि दिव्यांग दिव्यांगता होती क्या है या दिव्यांगता से जुड़ी हुई और कौन कौन से शब्द हैं जो हम अक्सर अपनी साधारणता सा, साधारणता जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और क्या कुछ पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट ने दी हुई क्या दिव्यांग लोगों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा और आज जानकारी हासिल करेंगे तो इससे पहले मैं अपनी प्रेजेंटेशन एक बारी खोलना चाहूंगी आवाज अभी रही है हाँ जी आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है अगर ठीक आ रही है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में मेरे को आइडिया रहेगा आप सब मेरे को ध्यान से सुन पा रहे हैं थाम्स थाम्स अप। लेकिन आप सब लोग अपना जो बटन है म्यूट बटन ऑन रखिएगा क्योंकि अगर बीच में से आवाजें आएंगी तो डिस्टरबेंस होगी मैं भी सेशन अच्छे से नहीं देख पाऊंगी और ये और लोगों को भी डिस्टर्ब कर सकता है तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं पहले कि अक्षमता जिसको हम डिसेबिलिटी नॉर्मल टर्म में बोलते हैं तो अक्षमता क्या होती है और अक्षमता क्षति विकलांगता तीनों में क्या फर्क है आगे नहीं बढ़ रहा सो क्षति जिसको कि हम इंपेयरमेंट बोलते हैं किसी कोई भी स्थायी या अस्थायी नुकसान जो शरीर की संरचना या कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करता है कहने का मतलब यह है अगर शरीर का कोई भी अंग किसी भी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और वो कार्य या तो कर नहीं पाता या क्षमता से कार्य नहीं कर पाता तो हम उसको इंपेयरमेंट कहते हैं अक्ष, अक्षमता ये होती है कि ऐसी कोई भी स्थिति जो व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक क्रियाओं को सीमित करती है तो डिसबिलिटी uh, का मतलब है कि फंक्शनल मतलब कि कार्य करने में कठिनाई होना तो कभी किसी भी uh, जो अंग की क्षति होने की वजह से जब उसी अंग से वो हम कार्य नहीं कर पाते हैं उस कार्य में करने में कठिनाई होती है या कार्य अगर कर भी पाते हैं तो उस तरीके से नहीं कर पाते जो कि नॉर्मलता साधारतः लोग सभी उसको करते हैं तो ऐसे को हम अक्षमता कहते हैं एंड तीसरा आ जाता है आ, विकलांगता सो so विकलांगता का मतलब जिसको कि हम हैंडीकैप भी बोलते हैं तो विकलांगता का मतलब है आई एम सॉरी प्रेजेंटेशन में दिव्यांगता लिखा हुआ है ये वि, विकलांगता है वातावरण में वातावरण में किसी भी तरह की बाधा आ जाना जो व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है तो मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझाऊंगी कि सपोज कि किसी एक व्यक्ति की Uh, किसी भी वजह से दुर्घटना की वजह से या हम uh, पोलियो में देख लीजिए कि पोलियो पोलियो में पोस्ट पोलियो uh, कि उसका जो किसी uh, एक टांग का uh, पैरालिसिस हो जाता है और एक टांग काम करना बंद कर देती है वहां की मसल्स काम नहीं करती तो वो हम कहते हैं कि उसका क्षति uh, हुई है टांग के क्षति होगी

से चल सके या पहुंच सके एक स्थान से दूसरे स्थान पे अब वो कहीं ऐसे स्कूल में जाता है बच्चा उसके पास व्हीलचेयर भी है और लेकिन स्कूल में सीढ़ियां हैं रैंप नहीं बना हुआ तो वो स्कूल की बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता तो ये सिचुएशन हो जाती है हैंडीकैप जब वो अपने आप को हैंडीकैप फील करता है कि वो आप सब कुछ वातावरण के अंदर उसकी नीड के मुताबिक जब नहीं होता तो वहां पे व्यक्ति अपने आप को हैंडीकैप महसूस करता है तो लेकिन आपने मैंने बहुत बहुत नॉर्मली देखा है कि अक्सर लोग लोगों के लिए यूज करते हैं ये वर्ड कि वो व्यक्ति हैंडीकैप है तो मैं आज ये बहुत क्लियर करना चाहूंगी इन ती, तीन शब्दों से लेकर कि व्यक्ति हैंडीकैप नहीं होता वो उसका वातावरण हैंडीकैप है जो कि बहुत ज्यादा हमारे हाथ में है हम लोगों के हाथ में है जो कि हम कर ऐसा वातावरण उसके लिए क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि जो उसकी आ, अक्षमता है उसको आ, सपोर्ट मिले और कहीं पे भी विकलांगता की जरूरत नहीं है अगर स्कूल में यही रैंप बन जाता है तो बच्चा व्हील चेयर के माध्यम से कक्षा में और स्कूल में और कक्षा में जा सकता है तो हैंडी शब्द जो ऐसा शब्द है शायद हम अपनी लाइफ में से हम धीरे 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 अगर समावेशन ले आए इन्क्लूशन ले आए तो समाज से निकाल सकते हैं तो ये तो, तो तीन शब्द हैं जिसके लिए हमें आज जानना जरूरी था अब हम जानेंगे सरकार द्वारा जो एक पीडब्ल्यूडी एक्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटी ये 1995 में आया था कि जो व्यक्ति दिव्यांग थे उन लोगों के लिए ये एक्ट बना जिनसे कि वो अपने अधिकारों उनको अधिकार मिल पाए उनके अधिकारों की रक्षा हो सके तो उसके बाद नाइनटीन उसके बाद जो नया एक्ट आया है वो दो में आया जिसका नाम रखा गया आरपीडब्ल्यू एक्ट राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इस 2016 के अंदर और पीडब्ल्यू डी एक्ट में ये फर्क था कि पीडब्ल्यू डी एक्ट में 11 11 जो डिसेबिलिटीज़ हैं दिव्यांगताओं को रिकॉग्निशन मिला कि इनको उनको माना गया कि ये अक्षमताएं हैं लेकिन 2000 जब ये 2016 में ये एक्ट आया इसके अंदर 10 अक्षमताएं और जुड़ गई तो अब 21 डिसेबिलिटी हैं जो आर पीडब्ल्यू डी एक्ट के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज हैं तो हम इनके बारे में भी देखते हैं कि ये कौन कौन सी डिसबिलिटीज uh, हैं uh, जैसे कि अंधा होना या ब्लाइंडनेस uh, जिसको हम बोलते हैं कि पूरी तरह से जब व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है कम दिखाई देना जब व्यक्ति को दिखाई तो देता है लेकिन बहुत ही कम दिखाई देता है अगर हम साइंटिफिक uh, लैंग्वेज में बोले तो हम ये बोलते हैं जब जब किसी व्यक्ति का जो विजन है सिक्स बाय एटीन से लेस हो इन दी बेटर आई अच्छी आई में तो हम कह सकते हैं उसको जो है उसको विजुअल डिसेबिलिटी uh, है कुष्ठ रोग से ठीक हुआ व्यक्ति लेप्रसी क्योड विक्टिम अब लेप्रसी एक तरह की बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होती है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम ले, ले, और ये त्वचा पे और सांस की नली में और अब अब हड्डियों में बोन्स में यहाँ पे प्रभावित करती है और कहीं किसी कई कही की वजह से जो है डिफॉर्मिटी या परमानेंट जो डिसेबिलिटी है वो भी हो जाती है so, उसके बाद आता है कम सुन सुनना या पूर्ण रूप से बहरा होना तो वो भी एक अक्षमता में आता है जब किसी व्यक्ति को सुनाई ही नहीं देता दोनों कानों में से और अगर सुनाई देता भी है तो बहुत ही कम सुनाई देता है तो उसको भी क्षमता में लिया जाता है लोकोमोटर दिव्यांगता लोकोमोटर मोटर डिसेबिलिटी वो डिसेबिलिटी होती है जिसमें व्यक्ति को चलने फिरने में दिक्कत होती है किसी भी वजह से शरीर का कोई भी जैसे कि कहते हैं हाथ पैर और बाज, आ, बाज, वो कहीं पे क्षतिग्रस्त हो जाता है और व्यक्ति इस्तेमाल नहीं कर पाता है अपनी हाथ पैरों को और चल फिर नहीं पाता चलने फिरने में दिक्कत होना उसको हम लोको लोकोमोटर मोटर डिसेबिलिटी कहते हैं बोनापन होना बोनापन मतलब कि जब व्यक्ति का जो हाइट है जो उसकी लंबाई है उसके शरीर के मुताबिक काफी छोटी होती है जिसको कि हम इंग्लिश में ड्वाफिज्म भी बोलते हैं उसके बाद है बुद्धि अक्षमता बौद्धिक अक्षमता मीन्स जिसको हम पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे और या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बोला जाता है और मा, और स्वलीनता या स्वलीनता मीन्स ऑटिज्म जब ऑटिज्म आपने सुना होगा आ, बहुत ही कॉमनली आजकल वर्ड यूज होता है ऑटिज्म भी एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है आने वाले सेशंस में हम इन डिसेबिलिटीज पर एक एक कर कर चर्चा करेंगे और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे भी देन मानसिक पक्षाघात मेंटल इलनेसेस कि किसी तरीके की भी जो मेंटल इलनेसेस है मेंटल इलनेस मेंटल रिटार्डेशन से डिफरेंट होती हैं, मेंटल इलनेसेस हैं जो बहुत जो व्यक्ति के मूड को उसके बिहेवियर को उसको प्रभावित करती हैं उसके निर्णय शक्ति को निर्णायक शक्ति को प्रभावित करती है डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करती हैं, तो वो सारी जो अः प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम मेंटल इलनेस में लेते हैं उसके बाद मांसपेशियों का अपूर्ण विकास या हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रॉफी जहां पे जो मसल्स हैं शरीर की मसल्स जो हैं, वो डेवलप नहीं हो पाती धीरे 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 खत्म होती जाती हैं, और ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है और देन न्यूरो न्यूरोलॉजिकल डिजीजे uh, जिसके अंदर बहुत सारी आती है जैसे पार्किंसन भी उसी के अंदर आता है उसके बाद लिखने की विशिष्ट अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको कि अधिगम इसका जो सही अर्थ है अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटीज़ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इसके बारे में हम अगले ही सेशन में विस्तृत जानकारी लेंगे जिसके अंदर बच्चों को कक्षा में ऐसे बच्चे बहुत होते हैं जिनको पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है ऐसा नहीं है जो बच्चा पढ़ नहीं पढ़ता लिखता नहीं है सभी को लर्निंग डिसेबिलिटी है लेकिन काफी हद तक काफी बच्चों को लिखने में हिसाब करने में अंकों के साथ परेशानी होती है लेकिन बहुत अच्छे से अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं जरूर कहूंगी कि आप हमारा कल का सेशन अवश्य अटेंड करें उसके बाद है भाषा रीढ़ की हड्डी व दिमाग की पूर्ण या आंशिक रूप से अक्षमता होना न्यूरोलॉजिकल उसकी बात ही हो रही है एंड देन भाषा या भाषण विकार लर्निंग डिसेबिलिटीज की जहां बात हो ये स्पीच एंड स्पीच एंड एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसमें व्यक्ति को बोलने में दिक्कत होती है या तो वो पूरी तरह से बोल नहीं पाता या उसकी आवाज साफ नहीं होती या वो न्यूरोलॉजिकल रीजन की वजह से भी हो सकती है और या किसी शरीर का किसी अंग क्षति होने की वजह से भी वो बोल नहीं पाता ये सभी के के अंदर आएंगे। उसके बाद विभिन्न तरह के वक, आ, रक्त रोग भी हैं। मैं प्रेफर करूंगी कि मैं आपको अगली स्लाइड पे ले सकूं। सो जो ब्लाइंडनेस लो विजन लेप्रेसी हियरिंग डॉफिजम मेंटल इलनेसेस क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन सेरिब्रल पाल्सी तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे रीढ़ की हड्डी में सेरिब्रल सेरिब्रल पाल्सी ऐसा है जो कि ब्रेन में किसी तरह की दिमाग में शक्ति हो जाना जब बच्चा पैदा होता है तो उसके उस समय पे जब हमने कल आप डिसऑर्डर्स पढ़े थे आप जो लोग भी मेरे साथ थे कल तो हमने पढ़ा था कि प्री नेटल पेरीनेटल एंड पोस्ट नेटल तो पेरी नेटल के टाइम पे कई बार जब औरत को डिलीवरी में दिक्कत होती है और उस टाइम पे किसी तरीके की भी ब्रेन को क्षति पहुंचती है तो शरीर जो दिमाग का कोई हिस्सा पे दबाव आने की वजह से वो वो हिस्सा अच्छी तरह से कम काम नहीं कर पाता और उसका जो प्रभाव होता है शरीर के किसी अंग पे दिखाई देता है इसको हम सेरिब्रल पालसी कहते हैं जो कि एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की स्क्लेरोसिस में ऐसा होता है है, जो आ, हमारी दिमाग की और जो रीढ़ की हड्डी जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं उसके अंदर परेशानी ये होती है कि उसके जो शीट होती है जिसको जिसको कवर करती है उसमें दिक्कत आने की वजह से सारी तंत्रिकाएं जो है एक्सपोज होती हैं और उसकी वजह से व्यक्ति को डिफरेंट तरह की परेशानियां हो, हो सकती हैं उसको पैरालिसिस भी हो सकता है उसको चलने फिरने में कठिनाई होती है उसकी और भी आ, 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 शरीर के हिस्से में और दिक्कत आती है जिसके बारे में अगेन हम विस्तृत जानकारी उनके सेशन में लेंगे थैलेसीमिया आपने सुना होगा ये भी एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर खून जो है नहीं बनता अच्छे व्यक्ति के बच्चे के अंदर खून पूरी तरह से नहीं बनता ये बच्चे अक्सर एनीमिक होते हैं इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैटेगरीज होती हैं उसके बारे में हम जानेंगे एंड देन आता है हीमोफीलिया हीमोफीलिया भी एक तरह से रक्त का ही एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर खून जमता नहीं है हम सबको पता है कि जब खून बहता है तो वो थोड़ी देर बाद क्लॉट हो जाता है जम जाता है तो यहाँ पे व्यक्ति के खून के जमने में दिक्कत होती है अगर वो कहीं से बहता है तो लंबे तरह से बहता रहता है ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये ये खून के अंदर एक कोई प्रोटीन की कमी की वजह से ये अक्सर हो जाता है और इसके बारे में हम आगे के सेशन में देखेंगे सिकल सेल एनीमिया भी जो है वो भी एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो लाल रक्त कोष हैं कोशिकाएं होती हैं उनकी शेप खराब होने की वजह से वो टूट जाती हैं और जो व्यक्ति होता है वो अनिमिक हो जाता है देन एसिड अटैक विक्टिम आप देख पा रहे हैं और आजकल के uh, समय में ये डिसेबिलिटी को स्पेशली इंक्लूड किया गया क्योंकि जो वातावरण आज हमारा uh, समाज का है इस तरीके के केसेस बहुत आए और एसिड अटैक विक्टिम के अंदर व्यक्ति कई बार अपना काफी uh, नुकसान अंग का हो जाता है और uh, uh, वो परमानेंट disability. डिसेबिलिटी हो सकती है उसकी वजह से होती है इसीलिए इसको भी डिसेबिलिटी में इंक्लूड किया गया है उसके बाद मल्टीपल डिसेबिलिटीज की बात हो रही है जब एक व्यक्ति को एक से ज्यादा अक्षमताएं हों जैसे कि एक व्यक्ति अगर देख नहीं सकता उसके साथ साथ उसको अगर बौद्धिक अक्षमता है या उसके आ, सुनाई भी नहीं देता है किसी भी तरह की एक या एक से ज्यादा एक से ज्यादा दो तीन कितनी भी डिसेबिलिटीज हो सकती हैं उसको हम मल्टीपल डिसेबिलिटीज बोलते हैं तो अब हम बात करेंगे कि पार्किंसन मैंने बोला ही कि ये सारी पार्किंसन है या ये सब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आती है इसके अंदर और भी बहुत सारी कंडीशंस आती हैं अब हम बात करेंगे काल्पनिक की अ कि हमारा जो डिसेबल अक्षमताओं को लेके बहुत सारे विचार हैं धारणाएं जुड़ी हुई हैं समाज के अंदर और वो कुछ धारणाएं ऐसी हैं कि आज बात करेंगे क्या वो सच हैं या गलत हैं तो कुछ लोगों का डिसेबिलिटीज को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस मिसकॉन्सेप्शन उनका उनका कहना है कि दिव्यांगता एक तरह का संक्रमण रोग है ये इन्फेक्शस डिजीज है जबकि ये पूरी तरह से गलत है दिव्यांग विकलांगता एक व्यक्ति को होती है किसी भी वजह से वो कारण कोई भी हो सकते हैं लेकिन ये इन्फेक्शियस नहीं होती कहने का मतलब है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ बैठने से या ऐसे नहीं हो सकती है दिव्यांगता अनुवांशिक है दिव, दिव्यांगता नेत्रहीन व्यक्ति के लिए एक उपहार है ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो आ, जो जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं जो ब्लाइंड होते हैं वो आ, वो बहुत अच्छा गाते हैं वो बहुत म्यूजिक बहुत अच्छा बहुत अच्छे म्यूजिशियन होते हैं लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी ऐसा बिल्कुल भी कोई तथ्य नहीं है ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यक्ति जो नेत्रहीन हो वो दिव्यांग हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है और वो नेत्रहीन हो वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन हो वो वैसे हुए होंगे जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है इसी तरीके से नेत्रहीन व्यक्ति अच्छे म्यूजिशियन भी हो सकते हैं अच्छे डांसर भी हो सकते हैं या पढ़ने में बहुत अच्छे हो सकते हैं लाइक एनी अदर व्यक्ति और एनी अदर चिल्ड्रन और अनुवांशिक जैसे कि हम कहते हैं कि ये मैं सेकेंड पॉइंट भूल गई थी कि दिव्यांगता हेरिडिट है कि अगर परिवार में किसी को है तो अगले व्यक्ति को जरूर होगी ऐसा नहीं है हां हमारे कई जो डिसऑर्डर्स हैं वो जेनेटिक लिंक्ड जरूर होते हैं लेकिन इस तरीके से हेरिडिटरी नहीं है मान के जरूरी है कि वो ऐसा हो पुश्तों और पुश्तों में चली आए वो जरूरी नहीं है आ, आ, मानसिक मानसिक मंद, मंदता और रोग एक ही होते हैं ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हुई हूँ कि बौद्धिक अक्षमता जिसको कि हम मानसिक मंदता कहते हैं आ, और आ, और मेंटल इलनेसेस ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज हैं तो एक व्यक्ति के जो समझने की शक्ति को प्रभावित करती है बुद्धि को प्रभावित करती है दूसरा जो है उसके निर्णय निर्णय शक्ति को उसके बिहेवियर को उसके मूड को उस तरीके से प्रभावित करती है और अच्छे से हम इसको समझ पाएंगे जब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे अपने आने वाले सेशंस के अंदर उसके बाद ये बहुत ही माना जाता है कि दिव्यांगता कर्मों का फल है बोला जाता है कि अरे ये तो व्यक्ति इसने शायद पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे तो ऐसा हो गया तो बिल्कुल ऐसा नहीं है इट इज जस्ट एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस विच कैन हैपन टू एनी किसी के साथ भी हो सकता है तो ये किसी के पुराने कर्मों का फल है ये इस तरीके से कहीं पे कोई इसका तथ्य नहीं है एंड देन विवाह द्वारा दिव्यांगता ठीक की जा सकती है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है स्पेशली uh, मानसिक विकारों को लेकर uh, मैंने भी देखा है कि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि अगर ये परेशानी है इसको तो इसकी शादी करा देंगे विवाह करा देंगे तो ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो ये सोचना बिल्कुल ही गलत है और uh, तो ऐसा इसका कोई भी रिलेशन नहीं है दिव्यांगता का कार्य कार्य सूर्य ग्रहण है तो सूर्य अक्सर जब औरत अः प्रेग्नेंट होती है तो अक्सर ये बोला जाता है कि आ, कि सूर्य ग्रहण जो है जब सोलर एक्लिप्स है तो उस टाइम पे अगर जो बच्चे पैदा होते हैं तो उनके में कोई ना किसी तरह की कोई आ, विकार हो सकता है तो आ, मैं आ, अब इस पे के बारे में भी ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है हाँ अगर कोई व्यक्ति आ, सोलर एक्लिप्स के टाइम ता, पे जो की साइंटिफिकली इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि सूरज को सीधा मत देखिए उसकी वजह से दिक्कत होती है वो जो है उसके उसके अलावा अगर किसी तरह की भी कोई वजह है वो वजह नजर नहीं आती है तो सूर्य ग्रहण की वजह से व्यक्ति दिव्यांग हो जाते हैं तो ये मानना भी गलत है दिव्यांग व्यक्ति के पास अलौकिक शक्ति होती है जैसे अभी हमने बात करी कि जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं उनके पास म्यूजिकल स्किल्स होती हैं, या दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके पास कोई ना कोई स्पेशल और स्किल्स होती हैं, बहुत ही खास होते हैं वो तो ये भी तथ्य नहीं है वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते जैसे कि आम लोग होते हैं कि हमारी आम जिंदगी में साधारण या जिंदगी में भी हमारे साथ आमतौर पे जो लोग होते हैं कुछ लोग स्पेशल स्किल्स के साथ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं वही तथ्य दिव्यांग लोगों के लिए भी है कि कुछ दिव्यांग बच्चे या व्यक्ति कुछ बहुत ही असाधारण गुणों के साथ होते हैं और कहीं कहीं किसी के पास ऐसा कोई असाधारण गुण नहीं होता वो तो नॉर्मल बात है दिव्यांग व्यक्ति आत्मनिर्भर जीवन नहीं बता सकते ये सबसे बड़ा गलत अनुमान है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति हमेशा जो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते इनफैक्ट हमारा पूरा जो सेशन है समावेशन का वो इसी पे निर्धारित है इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि अगर हम समावेशन ले आए हर व्यक्ति जो एक व्यक्ति के प्रति सम्मान पूरक दृष्टि से उसको देखे स्पेशली जो दिव्यांग व्यक्ति है तो हम उन और उनको पूरी ऑपरचुनिटी दे समाज उनको पूरा आ, सहयोग दे उनको ऑपरचुनिटी दे तो डेफिनेटली जो है हम सब दिव्यांग बच्चों को लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं तो अभी हमने देखा ये बहुत सारे कुछ मिसकॉन्सेप्शन थे अब हम बात करेंगे जैसे मैंने बताया क्योंकि कल हमने इंग्लिश में सेशन लिया तो मैंने अभी सेशन में आप लोगों को बोला कि कल हमने डिस्कशन किया था लेकिन आप में से जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आज हम ये भी बात करेंगे दिव्यांगता किन कारणों की वजह से हो सकती है क्योंकि ये कारण जानना इसलिए आवश्यक है इसमें से कई कारण ऐसे हैं जो कि हम रोक सकते हैं अगर वो कारण दूर कर दिए जाएं तो हम दिव्यांगता भी कहीं हद तक उन केसेस को दिव्यांग केसेस को हम रोक सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं एज अ टीचर अध्यापक आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि आप बिल्कुल एक जो जो एक शहर, एक एक विलेज, एक शहर, गांव, विलेज, टाउन उसके बीच में आपका जो रोल है, भूमिका बहुत ही आम होती है वहाँ के जो समाज के वहाँ के जो परिवार है आप लोगों के साथ बहुत ही परस्पर जुड़े हुए होते हैं तो अगर आप इस तरीके के कारणों का के बारे में जानते हैं और उसको समाज में फर्दर लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं पे आप सहयोग करेंगे प्रिवेंट करने के लिए कि जो भी ये कार्य हैं जो जो भी ये कारण हैं दिव्यांगता के वो हम कुछ हद तक अगर इनको रिड्यूस कर सकें तो देखते हैं कैसे कैसे कारण है तो जैसे कि प्रीनेटल प्रीनेटल का मतलब है कि जब बच्चा और जब बच्चा औरत के गर्भ में होता है ये गर्भावस्था की बात हो रही है जब गर्भ में होता है उस समय अगर किसी औरत को दिक्कत होती है तो किस तरीके की हो तब उसमें कैसे कैसे बच्चे में बच्चा दिव्यांग पैदा हो सकता है तो सबसे पहले है जेनेटिक तो कई ऐसे हैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि आपने डाउन सिंड्रोम काफी नाम सुना होगा जिसकी वजह से बौद्धिक क्षमता के साथ बच्चा पैदा होता है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से है सिर्फ अगर आज हमारी जो मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हुई है कि हम इस तरीके के कारणों को भी माता के गर्भ में पता कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम अपना निर्णय उस प्रेगनेंसी के लिए ले सकते हैं उसके बाद आता है इंफेक्शन टू मदर ड्यूरिंग प्रेग्नेंसी ये बहुत ही कॉमन कारण है जैसा हमारे देश के कई जगह पे स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जो जो वातावरण है जो परिस्थितियां हैं वो इतनी अनुकूल नहीं होती एक औरत के लिए सफाई का ध्यान और चीजों का तो एक, एक जो गर, जो गर्भ धारण करी स्त्री होती है वो काफी ज्यादा प्रोन होती है काफी ज्यादा उसकी वजह से इंफेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चे में उसका प्रभाव हो सकता है अगर आप सुनेंगे तो जैसे कि बहुत कॉमनली जर्मन मेजल्स वगैरह जो इस तरीके की प्रॉब्लम है जो इंफेक्शन हो जाता है तो उसका प्रभाव बच्चे आने वाले बच्चे में नजर आता है रुबेला जिसको हम बोलते हैं उसके बाद है एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस तो ऐसे ही गर्भवती महिला का किसी भी तरह की एक्सपोजर होना जैसे कि कोई जो जहरीली गैस है या जो औरतें धूम्रपान करती हैं सिगरेट पीती हैं जो जो शराब का सेवन करती हैं ये सारे टॉक्सिक टॉक्सिक सब्सटेंसेज है उसका प्रभाव आने वाले बच्चे पे पढ़ सकता है थायराइड डेफिशिएंसी थायराइड डेफिशिएंसी जो है एक बहुत ही आ, आ, बहुत कॉमन कॉज है जिसकी वजह से या बौद्धिक अक्षमता इस तरीके के बच्चे के आ, समझ आ, कम आईक्यू के साथ पैदा हो सकता है और थायराइड डेफिशिएंसी काफी कॉमन है इंडिया के अंदर क्योंकि हमारा जो खाने का औरत के लिए जो खाने की प्रॉपर परिस्थिति है अपना वो अपना ध्यान कम कम रखती है और अपने परिवार का ध्यान ज्यादा है और ये अक्सर हम कह सकते हैं लो सोशियो इकोनॉमिक जो थोड़े से जो आर्थिक स्थिति से हुए वर्ग है वहां पे ये चीज बहुत में मिलती है उसके बाद है डिफेक्ट इन ब्रेन और दिमाग में पैदा होने पे ही कि दिमाग में दिमाग की कोई बनावट और संरचना बच्चा पैदा ही ऐसे होता है जिसमें डिफेक्ट होता है तो ऐसा हो सकता है तो ये सारे विकार जो हम बात कर रहे थे ये सारे थे जब गर्भावस्था के अंदर जब स्त्री गर्भवती स्त्री के अंदर ये बच्चे तक ये विकार हो सकते हैं अब हम बात करते हैं जब गर्भ की स्टेट जब अः डिलीवरी का टाइम है जब बच्चा पैदा होता है उस समय पे ऐसी क्या परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन को दिमाग को क्षति पहुंच सकती है उसके शरीर किसी अंग को क्षति पहुंच सकती है और बच्चा जो है किसी ना किसी दिव्यांगता के साथ पैदा हो सकता है जैसे कि हम बात करते हैं ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ मतलब ऑक्सीजन की कमी होना यह बहुत ही कॉमन कॉज है और अगर आप सब लोगों ने अपने भी जीवन में बहुत सुना होगा कि अक्सर जब डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि हमें बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ेगा बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है उसकी जो जो नाल है उसके गर्दन के अंदर फस गई है या किसी और वजह से सांस नहीं ले पा रहा तो ऐसे में बच्चे को ऑक्सीजन समय पे नहीं मिलती और बच्चे और ऑक्सीजन जब ब्रेन को दिमाग में टाइम पे नहीं पहुंचती तो वो किसी ना किसी ब्रेन के किसी भी हिस्से को क्षतिग्रस्त कर सकती है उसके अलावा हम बात कर रहे हैं अब नॉर्मल फीटल प्रेजेंटेशन की ये वो बात है कि बच्चा गर्भ में एक अवस्था में होता है और एक नॉर्मल जो अवस्था वो होती है जिसके अंदर जब वो बच्चा होता है उसका सर नीचे होता है और बाकी हिस्सा जो ऊपर होता है तो ये अवस्था एक नॉर्मल अवस्था है लेकिन कई बारी जो बच्चे का जो गर्भ के अंदर अवस्था होती है वो ब्रीच हो सकती है मतलब की ऊपर जो उसका हिस्सा धड़ का या उसका वो वो नीचे आता है और सर ऊपर होता है ऐसे में बच्चे को बाहर आने में कठिनाई होती है या उसका जो ट्रांसफर्स लोकेशन होती है बच्चा आड़ा गर्भ के अंदर होता है तो उसको बाहर आने में दिक्कत होती है अगर वो नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं क्योंकि हमारे कई देश के कई क्षेत्रों में ऐसा है जहाँ पे अभी भी लोग समय पे आ, अस्पताल नहीं जाते और जब घर पे घरों में ऐसे कारण ज्यादातर आपको मिलेंगे जब पे होम डिलीवरी होती है जहां पे पता नहीं होता कि बच्चे की पोजीशन कैसी है गर्भ के अंदर और ऐसे में जब जबरदस्ती हम डिलीवरी करते हैं तो बच्चे को क्षति पहुंच सकती है है और अभी अदरवाइज जो साइंस ने इतनी तकनीक तरक्की कर ली है इस तरीके की प्रॉब्लम हमें समय पे पता चल जाती हैं और एक डॉक्टर सही निर्णय लेकर उस तरीके से हम इन चीजों को आप काफी हद तक प्रिवेंट कर पा रहे हैं और प्रिवेंट करते भी हैं उसके बाद डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर कि जब वही जब ये सारा प्रोसेस या उस प्रोसेस के अंदर हो सकता है है कि बच्चे को बाहर आने में दिक्कत हो रही है मदर को लेबर पूरी तरह से नहीं हो रही है अच्छी तरह से नहीं आ रही है उसमें भी दिक्कत हो सकती है इंजरीज टू ब्रेन ब्रेन एंड ब्लीडिंग इन जैसे बोला कि किसी भी वजह से अगर बच्चे के दिमाग को चोट पहुंचती है क्षति पहुंचती है उसकी वजह से उसका वो बच्चा किसी ना किसी अक्षमता के साथ पैदा हो सकता है एंड लो बर्थ वेट लो बर्थ वेट जो है जो बच्चे का पूरी तरह से शरीर शरीर पनपता नहीं है गर्भ के अंदर किसी भी वजह से मदर की कैसी भी परिस्थिति की वजह से तो बच्चा जब जो नॉर्मल बर्थ जो वेट होता है बच्चे का ढाई किलो होता है अगर ढाई किलो से कम हो तो बच्चा जो प्रोन होता है किसी भी तरह की इन्फेक्शन से भी और हो सकता है कि किसी भी अक्षमता के साथ पैदा हो ब्रीदिंग प्रॉब्लम बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो या और सिवियर इन्फेक्शन अगर गर्भ के स्थान में वहां बच्चा किसी इंफेक्शन इंफेक्शन ले लेता है और उसके साथ पैदा होता है तो उसमें भी उसके अः किसी भी भाग को परमानेंट डिसेबिलिटी या क्षति पहुंच सकती है अब बात करते हैं पोस्ट जब बच्चा पैदा हो जाता है और उसको उस पैदा होने के बाद क्या क्या चीजों की वजह से उसका अः डिसबिलिटी हो सकती है क्षमता हो सकती है इंफेक्शन टू दी ब्रेन ये बहुत कॉमन है बच्चे के दिमाग में किसी तरह का इंफेक्शन हो जा या दिमागी बुखार आपने अक्सर नाम सुना होगा दिमागी बुखार जैसे कि इस तरीके के बुखार हो जाना या किसी तरीके का दिमाग को क्षति पहुंचना चोट पहुंचना उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है आयोडिन डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन कॉज है डेफिशिएंसी आयोडिन डेफिशिएंसी उसकी वजह से पूरा बच्चे का पूरा ढांचा उसकी उसकी लंबाई पे उसकी सोच पे उसकी बुद्धि पे इम्पैक्ट हो सकती है एक्सीडेंट्स uh, मैं बता चुकी हूँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक जैसे कि डायबिटीज वगैरह या बच्चे को और बहुत सारे मेटाबॉलिक uh, डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को परेशानी हो सकती है एंड माल न्यूट्रिशन सबसे कॉमन कॉज है बच्चे का पूरी तरह से पोषण ना मिलना बच्चे को पूरी तरह से पोषण ना मिलना वो प्रोटीन की कमी है या प्रोटीन uh, की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं या विटामिंस की कमी है तो जब उसको पो, प्रोटीन पोषण नहीं मिलता उसकी वजह से भी आ, इस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं एंड देन देन नेक्स्ट एनवायरमेंटल कॉसेस जैसे कि लेड पॉइजनिंग एनवायरमेंटल तो किसी के लिए भी है धुआं जहरीली गैस एक्सपोजर होना जल जाना या एनवायरमेंट का किसी तरह का भी ऐसा प्रभाव जो बच्चे के आ, विकास को रोकता हो और उसके और उसके मानसिक प्रभाव आ, उसकी मानसिकता को भी प्रभावित कर सकता है उसके दिमाग को प्रभावित कर सकता है एनवायरमेंटल कोई भी चाहे वो टॉक्सिक गैसेस हो या और तरह की हो जो क्षति पहुंचा सकती हैं तो ये सारे दिव्यांगता के कारण थे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अगर आपको और इन दिव्यांग इन कारणों पे और जो हमने बात करी जितने भी हमने 21 डिसेबिलिटीज हैं इस पे हम बात करेंगे अपने आने वाले हर सेशन में जिससे कि आप इनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सके और उनको समझ सके तो ये मैं आरपीडब्ल्यू डी एक्ट में आपको पहले ही बता सकी बता चुकी हूँ इसमें कई चीजों को शामिल किया गया है कि क्या इसके संदर्भ में कि जो लोग डिसेबिलिटीज में डिसेबिलिटी एक्ट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं दिव्यांग लोगों के लिए कुछ उसमें से ये है जैसे कि उच्च शिक्षा में कम से कम पांच प्रतिशत जो दिव्यांग है अगर वो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं स्कूली शिक्षा के बाद तो पांच प्रतिशत कम से कम रिजर्वेशन है उनके लिए रिजर्वेशन है सरकारी नौकरी में कम से कम चार प्रतिशत और निम्न आय आय वर्ग की आबंटित योजना में कम से कम पांच प्रतिशत तो सरकारी योजना सरकारी नौकरी में पहले ये तीन प्रतिशत होता था 2016 के बाद से ये चार प्रतिशत हो गया है और अभी जो लेटेस्ट रिजर्वेशन आया रिजर्वेशन फॉर पीपल विद लो इनकम उसके अंदर फर्दर इनको जो है पांच प्रतिशत का आरक्षण uh, मिला है एंड uh, और का ये और ये बेंच मार्क व्यक्तियों के लिए रखा गया बेंच मार्क का मतलब ये है कि डिसेबिलिटी के अंदर भी जो सरकार ने एक लेवल रखा गया है कि अगर 40 प्रतिशत तक वो डिसेबिलिटी है अक्षमता है तभी उस व्यक्ति को इन सारे आ, इसमें इन सब जो भी उनको अधिकार मिले गए हैं वो उसका लाभ उठा सकता है तो डिसेबिलिटी के लिए व्यक्ति को गवर्नमेंट के जो ऑथोराइज अस्पताल हैं इंस्टीट्यूट है वहां पे जाना होता है उसकी वहां पे जांच होती है और उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है तो अगर उसको किसी भी तरीके का उस व्यक्ति को बच्चे को किसी भी तरह का बेनिफिट लेना है तो उसको अपना प्रमाण देना होगा कि उसको फोर्टी परसेंट डिसिटी है तभी वो उसको उसका लाभ उठा सकता है प्रत्येक बच्चा छह से अठारह वर्ष की आयु को मुफ्त शिक्षा का अधिकार ये हमारे देश में है और अभी नई आने वाली पॉलिसी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तीन साल से हमने इसको कर दिया है और थ्री टू एटीन वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का सुझाव दिया गया है सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समावेशी शिक्षा की उपलब्धता तो हर जो हमारे इंस्टीट्यूशन है हमारे स्कूली संस्थान है शिक्षा के क्षेत्र है या सरकारी जितनी भी आ, बिल्डिंग्स हैं वहां पे सबको इंक्लूसिव बिल्डिंग बनाया गया है समावेशी बनाया गया है सो so दैट की हर व्यक्ति हर जरूरत का व्यक्ति जो है वो एक्सेस कर सके पढ़ सके पहुंच सके काम कर सके और हम चाहते हैं कि अगर समाज में समावेशन आ जाएगा तो हर एक जगह वो समावेशन हर जगह वो हमें नजर आएगा लेकिन काफी हद तक सरकार निरंतर कोशिश करती जा रही है अगर आज देखेंगे तो हमारी मेट्रो हमारी ट्रेन वहां पर भी काफी हद तक समावेशन आना शुरू हो गया है प्रधानमंत्री जी के सुलभ भारत अभियान को मजबूत करने के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी भवनों में पहुंच सुनिश्चित है ये बारे मैं, अभी मैं आपको बता ही चुकी हूं तो ये सारे प्रावधान हमारे आ, ये करे गए हैं जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए और हम आने वाले अपने सेशन में जब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा में क्या क्या प्रावधान करे गए हैं कैसे वो शिक्षा ले सकते हैं बिना किसी भी रुकावट के स्कूल के अंदर उनके लिए क्या प्रावधान है उनके एग्जाम के अंदर उनके लिए क्या सहूलियत दी गई है उनके लिए करिकुलम किस तरीके से चेंज किया गया है तो इसके बारे में जब हम आने वाले टाइम में और पर्टिकुलर डिसबिलिटी में किस तरीके से फायदा हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे जैसे जैसे हम डिसबिलिटीज की बात करेंगे तो इसके साथ ही मैं आज का जो ये सेशन है मेरी तरफ से समाप्त है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप में से किसी का भी किसी तरह का कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और अगर आप बोल बोलकर पूछना चाहते हैं तो मैं कहूंगी कि आप चैट बॉक्स में जो है अपना हैंड रेस करिए उसका उसका इशारा कीजिए तो हम आपका जो अनम्यूट कर देंगे आपको और आप बोल पाएंगे हाँ जी राधे श्याम जी मैं आपका देख पा रही हूं ओके okay. तो श्रीधर स्वामीनाथन जी आपने बोला है कि जो डिसेबिलिटी फ्रेंडली जो टॉयलेट्स हैं वो भी अभी पेट्रोल पंप पे बनने की सहूलियत होने शुरू हो गई है तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन बहुत अच्छा है जो आपने हमें ये बताया और हमारे सभी लोगों को भी ये पता चलेगा तो देखिए समाज में समावेशन तो आ रहा है तो लेकिन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा अगर हम सब लोग इस पे काम करेंगे थैंक यू सो मच ये बताने के लिए कि एचपी पेट्रोल पंप पे ऐसा हो रहा है कोई और व्यक्ति भी कुछ अपना कुछ शेयर करना चाहेगा अगर पूछना नहीं चाहते अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं आप बोल सकते हैं और मैं ये भी चाहूंगी कि रिएक्शन के अंदर आप अपना रिस्पांस लिखेगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप ऐसे और सेशंस में हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे क्योंकि अगले सेशंस कल से जो है हम स्पेसिफिकली डिफरेंट डिसऑर्डर्स की हम पहले डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को लेके चल रहे हैं हम आने वाले इस हफ्ते के अंदर हम लर्निंग डिसबिलिटी ऑटिज्म और ए और इंटेलेक्चुअल डिसबिलिटी क्षमता इनके बारे में हम बात करेंगे हर सेशन के अंदर और अपने मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि अगर आपके किसी तरीके के भी डाउट्स हैं वो सब लेके आइएगा सो so दैट और क्योंकि अगर आपको लगता है ऐसा कोई बच्चा आपकी क्लास में है तो आपको मौका मिलेगा कि आप हमारे साथ वो केस भी शेयर कर सकते हैं और अभी के लिए मैं चाहूंगी किसी और का कोई प्रश्न है तो बताइए तो पाल्सी uh, ट्रीटेबल तो ये जितने भी जो विकार है, जो है ये परमानेंट डिसेबिलिटीज़ हैं इनको हम ट्रीट नहीं कर सकते इनको मैनेज कर सकते हैं हम इनके साथ मैनेजमेंट uh, मतलब इंटरवेंशन ऐसी, ऐसी ऐसी दे सकते हैं कि व्यक्ति जो है कम से कम डिपेंडेबल बन डिपेंडेंट हो तो सेब सेल पॉलिसी जो है एक नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है इसमें यह है कि अगर किसी बच्चे या व्यक्ति को जो भी होता है वो बचपन में जब भी हो गया उससे ज्यादा फर्दर उसका नुकसान नहीं होता तो अक्सर अगर सेरिब्रल में में कई बार होता है कि बच्चा, किसी व्यक्ति का चलने में समर्था, उसका टांग काम नहीं कर रही है तो वहीं तक रहेगा ये नहीं है कि वो आगे आगे कहीं बढ़ेगा ऐसा नहीं होता तो उसके लिए हम मैनेज कर सकते हैं तो जितने भी अभी हमने डिसबिलिटीज की बात कही है ये सारी क्योरेबल नहीं है ये मैनेजेबल है कि हमारे बहुत सारी चीजों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैनेजमेंट और उनको उनके कुछ टूल्स दिए जाए उनको कुछ इस तरीके के प्रोस्थेटिक अंग होते हैं जैसे कि एक व्यक्ति सुन नहीं सकता तो हियरिंग एड उपाय है तो इस तरीके से हम काफी हद तक अगर मैनेज कर लेते हैं तो व्यक्ति अपने पे अः आत्मनिर्भर बन सकता है हाउ कैन बी हियर यू समथिंग अच्छा सो so अभी वो ठीक हो गया है एनी एनी अदर क्वेश्चन अच्छा है देखिये जब आप क्वेश्चन पूछते हैं उससे सिर्फ आपको फायदा नहीं होता जो लोग और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है एनी अदर क्वेश्चन और कोई अपना कोई इंसिडेंस अपना कोई शेयर करना चाहेगा अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा हमारे साथ आप में से टीचर्स हैं आपने आप में से कई टीचर्स ने दिव्यांग बच्चों के साथ काम भी किया होगा और आपकी कक्षा में अभी भी हो सकते हैं तो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा तो चलिए मेरे को लगता है कि अभी जो भी सेशन हुआ है आप तक आई कोशिश मैंने करी है कि मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप तक सुचारू रूप से पहुंचा सकूं फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इस सेशन के बाद ध्यान आता है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए मेरे सेशन के नीचे आप फिर भी आप अपने विचार अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई जानकारी चाहिए और ऐसा भी हो सकता है आप हमारे अगले सेशन में उसके बारे में पूछ भी सकते हैं तो उसके साथ ही मैं आज का ये सेशन समाप्त करना चाहूंगी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे साथ बने रह रहने के लिए और सुनने के लिए और आशा करती हूं कि कल आप लोगों का साथ हमें मिलेगा और मैं चाहूंगी कि आप अपने और भी टीचर्स को क्योंकि मेरे को लगता है कि जो इंक्लूजन प्रोजेक्ट जो इंक्लूजन की ट्रेनिंग है जो डिसेबिलिटीज को लेके अभी भी टीचर्स को बहुत जानकारी की जरूरत है और अगर उनको जानकारी मिल जाती है तो वो कक्षा के अंदर बहुत अच्छे से उस समावेशन को ला सकते हैं उन बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं तो आने वाले सेशन हमारे इसी से रिलेटेड हैं तो ज्यादा से ज्यादा अगर टीचर हमारे इस आ, इस आ, आ, सेशन में जुड़ते हैं तो मैं आ, मानती हूँ कि उनको इससे बहुत ही लाभ पहुँचेगा धन्यवाद धन्यवाद